भीम जहां पर अन्ना हजारे मौजूद हैं और जनसभा को राजस्थान के करौली जिले के करौली डोडा उपखंड के 22 जिला से कार्य करते हैं करते में आए थे। अब उनसे उन्होंने बात किया तब मुझे पता चला कि ये योजना होना बहुत जरूरी है। ये 22 जिला के कार्य करते हैं, ये कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए थे, ये 22 जिले के लोग आए थे अपने बाल बच्चों को परिवार को पानी मिले, हाथ के लिए काम मिले, पेट के लिए रोटे मिले, ये समझाने के लिए मुझे मेरे पास आए। और मैंने मेरे जीवन में आज मेरी उम्र 86 साल की हो गई, 86 साल। दूसरा 86 साल की उम्र में मैं अपने घर में कभी गया नहीं हूं। 15 साल की उम्र में मैंने तय किया था जब तक मैं जीऊंगा, मैं जब तक जीऊंगा समाज देश के जनता की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा गांव समाज देश की सेवा करता करते मरूंगा के व्रत लिया। आज मेरे पास जीवन में मुझे पेंशन मिलती है फौज की, पेंशन के पैसे पर मैं अपना गुजारा करता हूँ, किसी के पास रुपया भी कभी लिया नहीं, किसी उद्योगपति से पैसा लिया नहीं, लेकिन आज यहाँ अचानक से मुझे आना पड़ा वो इसलिए ये 22 जिला के लोग जो आए थे उनसे मैंने सुना, और हमारे जो और रविंद्र जी इनसे भी मैं सुना, ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी ये सब पता नहीं किया ये योजना के बारे में, लेकिन अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि सब ये जानकारी लेना मेरे जीवन का एक आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान, और अभी जनता के भलाई के लिए समय आ गया तो फिर मैं वही जो रामलीला बोलो मेरे घर में लगने 22 जिला के लोग आज खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार है 86 साल के बाद दो कदम आपके आगे रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जीवन और समाज के लिए कोई पक्ष नहीं पार्टी नहीं, जब तक जीना है समाज के लिए जीना, जब तक जीना है देश के लिए जीना, और समाज और देश के लिए अगर सरकार नहीं मानते तो फिर दूसरा रास्ता है मेरे लिए। तो मैं आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैंने रामलाल जी से कहा एक बार हम सब बात करेंगे, मुझे सब बता दो, और अगर समय आ गया तो फिर से एक बार वो आंदोलन सिर्फ
आपने देखा है राजा, आपने देखा जो आंदोलन मेरा हुआ दिल्ली में 18 दिन का अनशन हुआ। लेकिन 18 दिन में कभी भी हिंसा नहीं, और 20 दिन के बाद जब तक मेरा अनशन चल रहा था 20 दिन किसी ने एक पत्थर तक नहीं उठाया, पत्थर तक। पूरे देश के लोग वहां आ गए थे दिल्ली में, पूरा देश, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं उठाया। तो मेरी विनती एक है, वो समय आ गया तो हम फिर से एक बार बात करेंगे। रविंद्र ने मुझे बताया है और औरंगाबाद जिले में अभी पहले मुझे बताया है, उनके 22 जिले के लोग आए थे, उन्होंने बताया है एक बार उन्होंने जो बताया है उसके बारे में सब सोच कर मैं अपना निर्णय ले लूँगा। तो मैं ज़्यादा ना रहता, आप सवेरे से यहाँ बैठे तो मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जीवन ही समाज के लिए है, समय आ गया तो समाज के लिए फिर से आ जाऊँगा। धन्यवाद।